उत्तर प्रदेश पीलीभीत के थाना कोतवाली गंभीर धाराओं में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस की गिरफ्त से चल रही आरोपी फरार। जब महिला ने मीडिया के सामने जानकारी दी तो पता चला कि कोतवाली पीलीभीत के दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने महिला के भाइयों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। महिला पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर काफी परेशान हो गई है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन कागजों में पीलीभीत में महिलाएं सुरक्षित दिखाई नहीं दे रही हैं, असुरक्षित दिखाई दे रही हैं। अभी तक आरोपियों को थाना कोतवाली के पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। लगातार महिला से कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती देवी है। जी, क्या घटना हुई है आपके साथ में? सर, मेरे साथ घटना की हुई, मेरे पति जो थे मोहित परमार, वो जी नई बस्ती में किराए पे रखते थे। जी नई बस्ती में 10 जनवरी को सन 2024 में ये मुझे जी वहाँ छोड़ के चले गए थे जी दूसरी लड़की को लेके। जी तो मैंने ये सोचना मतलब गुमशुदगी रिपोर्ट मुंगरी थाने में दी है 18 जनवरी को। जी वहाँ से मेरी कोई कार्रवाई नहीं, मुझे कोई सूचना नहीं मिली। मेरे किराए के कमरे के पैसे देने के लिए पैसे नहीं थे, 2 महीने हो गए थे। तो मकान वाले बोल रहे थे तेरा पति 8 साल नहीं आएगा, क्या तुम 8 साल थोड़ा हमारा मकान धीरे। मुकदमा भी तो दर्ज हो गया था आपका, इस घटना का मुकदमा दर्ज भी हो गया था। ये मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ था? तुम देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।